ये है वो रूम जो हमने बुक किया है. द होटल नेम इज लाग रेस और ये स्वीट रूम है. ओके सो दिस इज द डाइनिंग. यू विल गेट अ रेफ्रिजरेटर ओवर हियर. किचन ट्रॉली है. दिस इज द वॉशरूम. And this is the bedroom. So there is the balcony. So this is the balcony. So overall it is a very nice room. Hey guys, hi, good morning. Hope you all are doing fine. कल रात को 10 बजे हम लोग साउथ गोवा में पहुंचे हैं और ये है वो रिसॉर्ट जहाँ पे हम रुके हैं. दिस इज कॉल्ड इज ला ग्रेस रिसॉर्ट जो कि साउथ गोवा में है और यहाँ से बेनोलिम बीच एक 500 या 600 मीटर्स की दूरी पे है जहाँ पे हम लोग शाम को जाने वाले हैं. रिसॉर्ट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, सब है यहाँ पे. एमिनिटी स्विमिंग पूल है, सब कुछ है. ऑलमोस्ट फिटनेस है, जिम है, रेस्टोरेंट है, एवरीथिंग यू गेट हियर. बट ड्यू टू पोस्ट कोविड यहाँ पे क्राउड नहीं है. तो जैसा आप गोवा में आने के बाद आपको नहीं फीलिंग मिलती है गोवा वाली, साउथ गोवा वाली, वैसी तो फीलिंग आपको नहीं मिलेगी. बट ओवरऑल यू विल एंजॉय यहाँ पे आना. सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं कैवेलोसिम बीच. वहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे कोला बीच जाने के लिए क्योंकि शाम को हमको रिटर्न सनसेट के लिए आने का है जो कि बेनोलिम बीच में यहाँ से 500 मीटर्स पे है. तो जैसे होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी. तो बाय.
होटल ला ग्रेस। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करके जाने वाले हैं नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1 आवर की डिस्टेंस पे है और आज हम लोग वहाँ पे कवर करने वाले हैं कैलंगूट बीच और बागा बीच। और कल का हमारा प्लान रहेगा अगोड़ा बीच और इस टाइम परमिट्स हम लोग डोनापोला पॉइंट भी कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं, सी यू एट कैलंगूट बीच। तो बाय। बेनौलिम बीच जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, तो आप देख सकते हो कि कोविड-19 की वजह से क्राउड काफ़ी कम है यहाँ पे और शैक्स वगैरह भी नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि पब्लिक भी ज़्यादा नहीं है। बट ओवरऑल आप देखोगे बीच इतना प्यारा और इतना क्लीन है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए कितना क्लीन है यहाँ पे। यहाँ पे तो फिशिंग चल रही है, तो ये देखिए यहाँ पे सब बोट्स है और क्राउड भी काफी कम है। सो दिस इज द बीच बेनौलिम जो साउथ गोवा पे है और अभी हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ गोवा के लिए। सी यू, बाय।